नमस्कार, रेखा सिंह खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही कद्दू। मैंने 1 किलो कद्दू लिया है, जिसको धोकर बिना छीले मैंने काट लिया है। मैंने 4 टमाटर, 2 प्याज का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 10 बादाम, 10 काजू का पेस्ट, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, हींग 1 पिंच और तेल। अब हम बनाना शुरू करते हैं कद्दू। इसके लिए गैस चालू करेंगे और कढ़ाई में तेल डालेंगे। हमें तेल कढ़ाई में ज़्यादा डालना है क्योंकि कद्दू को हमें फ्राई करना है। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें अपना कद्दू। हमारा कद्दू फ्राई हो चुका है, ये देखिए इसका कलर गोल्डन हो चुका है एकदम। इसको अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमने कढ़ाई का एक्स्ट्रा तेल निकाल लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल रखा है। अब हम इसमें 2 तेज पत्ता डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और 5-6 काली मिर्च कुटी हुई, हींग डालेंगे 1 पिंच, मेथी दाना, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हमारा प्याज टमाटर का पेस्ट पक गया है, अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, बेकिंग मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब हम अपने मसाले को तेल छोड़ने तक पकाएंगे। हमारा मसाला पक चुका है, मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए किनारे पर तेल छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने। अब हम इसमें अपना कद्दू डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बादाम काजू का पेस्ट डाल देंगे। मिक्स करके स्लो गैस पर ढककर पकाएंगे हम 5 मिनट।
हमारा कद्दू बन चुका है, ये देखिए गल चुका है एकदम। अब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, चीनी, मिक्स करेंगे। एक मिनट के लिए फिर ढक देंगे। ये देखिए अब हम इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी डाल देंगे। मिक्स करेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। एक मिनट के लिए फिर ढक के रख देंगे। ये देखिए हमारा कद्दू बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही बेहतरीन कद्दू बना है।